नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल सोशल सब्सटेंस से आपके साथ लाइव हूं। और आज का हमारा लाइव होने का विषय है किचन गार्डनिंग। हम लोग जब भी किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप्स करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि अपना खाना खुद उगाएं। खुद उगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो तरीके आप बताते हैं उस तरह के गमले हम कैसे बनवाएं, सॉइल कहाँ से लाएँ, मिट्टी कहाँ से लाएँ, खाद कहाँ से लाएँ और सीड्स कहाँ से लें। दूसरी तरफ हमारे कुछ गार्डनर भाई हैं, कुछ ऐसे माली हैं जो कहते हैं जी हमारे पास स्किल अवेलेबल है लेकिन हमारे आमदन का साधन इतना नहीं है तो हम अपने बच्चों को माली नहीं बना सकते। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और दोनों को आपस में मिला दिया जाए। तो माली की जो स्किल है उसका इस्तेमाल करें हम, जो किचन गार्डनर्स हैं, जो बडिंग किचन गार्डनर्स हैं, उनको सामान प्रोवाइड कराने के लिए और हम एक चैनल बना लें ताकि दोनों के बीच में ऐसी एमिकेबली, ऐसी म्यूचुअली हम ऐसा बातचीत करवा के काम करवा पाएँ, दोनों का फ़ायदा हो, यानी विन विन सिचुएशन दोनों तरफ हो। उसी दिशा में हमने कुछ माली भाइयों को लिया साथ में, उनसे हमने एक खास टेक्निक के जरिए कुछ गमले बनाए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो हमारे साथ पुनीत अरोड़ा जी हैं जो लगातार हमारे बागवानी एक्सपर्ट हैं और लगातार हमें बताते रहते हैं कि किस तरह किचन गार्डनिंग की जानी चाहिए। सर, तो जो गमला हमने बनाया है थोड़ा सा इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं कि ये गमला कैसा बनाया है, इसकी डायमेंशंस कैसी बनाई है आपने। देखिए, ये गमला जो है जिस तरह मैं अपनी वर्कशॉप्स में बताता हूँ उसी मेथड उसी तरीके से बनाया गया है। इसमें पहले हम गमले की थोड़ी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ये आप देखिए कि गमला करीबन 8 इंच के करीब, 8 से 9 इंच का है चौड़ा, सॉरी गहरा, और ये करीबन जो है दो मेरे ही आ रहे हैं तो मतलब ये करीबन 1 फुट के करीब होगा जी, और ये है 1.5 फुट के करीब जी। तो मतलब 1.5 फुट बाय 1 फुट और करीबन 9 इंच ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो हमारी समर वेजिटेबल्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगी इसमें, और पूरा ऊपर तक हमने अच्छे से बनाया है, लेयर वाइज बताया है। जैसे हम, मैं अपने वर्कशॉप्स में बताता हूँ कि सबसे नीचे हम ब्राउन लेयर डालते हैं, जो सूखे पत्तियाँ हैं, डंडियाँ हैं, वो सब डालते हैं, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, हम वेस्ट मटेरियल को ही यूज़ करना चाहते हैं। तो ये प्लास्टिक, ये भी जो शीट है ये भी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। ये जो वेजिटेबल्स की या जो ग्रेप्स होते हैं उनकी जो ट्रे होती है उसको ही यूज़ करके हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज करवा रहे हैं। और सबसे नीचे इसको बिछाने के बाद हम ऊपर जो है लकड़ी, सूखे पत्ते और वो सब की लेयर डालने के बाद, उसके बाद कुछ ग्रीन लेयर जो है सूखे पत्ते जो के बाद, हम जो हरे पत्ते हैं उनको डालने के बाद, और मिट्टी जो हमने ली है वो बिल्कुल जो खेतों से मंगवा के मिट्टी डाली है, और साथ में गोबर के साथ इसको मिक्स करके और माइक्रोब्स का सोल्यूशन डाल के, इसमें जैसे हम बायो एंजाइम बताते हैं वो सब डाल के इसको एनरिच करके उस तरह हमने ये बनाया है, उस तरीके से ये हमारा ये गमला तैयार हुआ है जी। तो इसमें हमने 4 लेयर्स बनवाई हैं, जो हमारे वृक्षों के पत्ते, हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है या डंडियाँ होती है सूखी, वो भी डाली गई हैं। ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है, हमने काफ़ी चीज़ों का वेस्ट मैनेज करने की कोशिश करी है, और आप देख सकते हैं कि ये जो गमला बना है इसमें जो सीड्स लगे हैं, रादर हमने हमारी एक्वायरी हमारे पास ये थी कि सीड्स कहाँ से लें, तो हमने टाई अप किया है, एक पटियाला की फर्म है जिसके साथ टाई अप किया है, तो वहाँ से हमने ट्रीटेड सीड्स मंगवाए हैं। तो आप देख सकते हैं सीड्स का इतना अच्छा रिजल्ट है कि जितने सीड्स लगाए गए थे हमारे सारे के सारे सीड्स चल गए हैं। तो ना सिर्फ गमला अच्छा है, सीड्स अच्छे हैं, और इसमें अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो इस गमले को मार्केट में सिर्फ गमला लेने की, मिट्टी लेने की, प्रिपेयर करने की कॉस्टिंग आती है वो 300 रुपये के करीब आती है, लेकिन ये गमला पूरी तरह तैयार गमला जो है उन माली भाइयों से हम 200 रुपये में, उनको हमने बोला है कि आप इसकी कॉस्ट रखें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और किचन गार्डनर्स को भी फ़ायदा हो। जितनी भी इसकी कॉस्ट है, जितनी भी इसके अंदर से इनकम है, वो सारी की सारी माली भाई, हमारा यहाँ काम इनकम करना नहीं है, हमारा काम फ़ायदा पहुँचाना है। तो मालियों का फ़ायदा होगा, किचन गार्डनर्स का फ़ायदा होगा, यही हमारा मकसद है। और इस वीडियो के ज़रिए हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि जो ये चैनल बना है इस चैनल का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका कॉन्टैक्ट सीधा गार्डनर से करवा देंगे, मालियों से करवा देंगे, ताकि आप इस तरह की जो स्किल है खुद सीखना चाहें, हम सिखाने को भी तैयार हैं, आप अपने पास करें वो भी ठीक है, आप इनसे लें वो भी ठीक है, कम्प्लीटली अप टू यू। तो सर, इसका आपका एनालिसिस क्या है, इसको बनाने के बाद आप इसकी जो उपजाऊ शक्ति है उससे संतुष्ट हैं इसको बनाने की? मुझे लगता है जो माली भाई हैं, जो गंगाराम जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ये जी, और काफ़ी मतलब आप देखिए जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, सीड्स भी अच्छे हैं, और इसमें ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इसमें हम पानी डालें तो पानी इसमें रिटेन होता है जी, और बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें से बाहर निकलता है,
तो हम वो भी डेमोस्ट्रेट करके दिखा देते हैं इनको जी जी, जी। कि इसमें पानी बिल्कुल रिटेन रहता है और मॉइस्चर मेंटेन रहता है जी। और सबसे बड़ी बात कि हमने ये नोटिस किया है कि इस गमले में पानी बचता भी है। मैं पहले गमलों में ये पूरा जग हमारा खपत हो जाता था, लेकिन इन गमलों में मुझे ये पूरा जग भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ऐसे स्प्रेड करके पानी डाल देता हूँ तो मेरी पानी की कंजम्पशन भी आधी हो गई है लगभग, क्योंकि ये पानी रिटेन ही इतना अच्छे से करता है, इतना सोख अच्छे से कर लेता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमने गोबर डाला हुआ है, तो गोबर खाद जो डाली हुई है वो पानी को सोख लेती है और बहुत अच्छे से मॉइस्चर देती है। और जब इसके अंदर मॉइस्चर और हीट कंटेंट मेंटेन रहे हैं तो उपजाऊ शक्ति और बिल्कुल बिल्कुल जर्मिनेशन वाकई में बिल्कुल अच्छा। और ये बिल्कुल अच्छी एक तरह का एक अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, एक इन्विटेशन है। अपने समर अभी समर सीजन की जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो लगा सकते हैं, और रेडी टू यूज़ हमारे ये पॉट्स अवेलेबल हैं, आप इनको ले सकते हैं। और लोकल मालियों को, लोकल गार्डनर्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली वो लोकल गार्डनर्स जो ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करते हैं, जो लोग जो गार्डनर्स यूरिया और गंदे केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। मेरी अपील है सब लोगों को कि आप इन जैसे मालियों को ज़रूर सपोर्ट करें और आगे काम करें जी। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग चाहते हैं कि सभी अपना खाना खुद उगाएँ घर पर, जो सीखना चाहता है हम सिखाने को तैयार हैं, जो किसी किस्म की सपोर्ट चाहता है हम यथाशक्ति उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोई माली भाई है जो सीखना चाहता है कि हमने ये कैसे बनाया, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हम पूरा सिखाने को तैयार हैं। हमारा किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन हमारा नहीं है, हम सिर्फ एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं कि सभी अपना खाना खुद उगाएँ, अच्छा खाएँ, अच्छी सेहत बनाएँ, यही हमारा मिशन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी।